2000 रुपये मूल्याच्या चलनी नोटा बँकांमध्ये जमा करण्यासाठी आणि त्यांच्या बदल्यात दुसऱ्या मूल्याच्या नोटा बदलून घेण्यासाठी पुरेसा वेळ असून नागरिकांनी चिंता करू नये असं आवाहन रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी केलं आहे. ते आज नवी दिल्ली इथं वार्ताहरांशी बोलत होते. 30 सप्टेंबर 2023 या तारखेनंतरही या नोटा चलनात वैध म्हणून असणार आहेत. 30 तारखेपर्यंत आरबीआयकडे जमा होणाऱ्या नोटांचं प्रमाण विचारात घेऊन पुढचा निर्णय घेतला जाईल असं त्यांनी सांगितलं. त्याचप्रकारे जे नागरिक देशाबाहेर आहेत किंवा इतर काही कारणानं या नोटा जमा करू शकत नसतील त्यांना येणाऱ्या अडचणींचा देखील आढावा घेण्यात येईल असं त्यांनी स्पष्ट केलं. उसको सीरियसली लिया जाए. आप किसी भी एक्सरसाइज में किसी भी प्रोसेस में अगर आप एक डेट नहीं देते हैं तो और उसको ओपन एंडेड ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं तो सीरियसली नहीं लिया जाता है. इसीलिए हमने ये डेट दिया है कि 30 सितंबर तक आप रिटर्न करिए. 4 महीने की समय है. कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं है. आराम से आपको जब भी टाइम हो आप नेक्स्ट 4 सितंबर 30 तक आप आराम से आके उसको एक्सचेंज करिए या अमाउंट अपने अकाउंट में खाता में डिपॉजिट कर दीजिए. तो इसीलिए चिंता की कोई कारण नहीं है. और जितना डिफिकल्टीज हो या जितना रिप्रेजेंटेशन हो, मतलब जैसे कि मैंने कहा कुछ लोग फॉरेन कंट्रीज में रहते हैं, कुछ लोग फॉरेन ट्रैवल पे गए हैं, उन सबका जितने कठिनाइयां हैं जितना डिफिकल्टीज है वो हम सब स्टडी करके उसके कुछ हल निकालेंगे जरूर. ये मेरा आश्वासन है.